ये मोर पंख इतना भी सुंदर नहीं होता कान्हा, अगर ये तेरे सर पर ना होता। मोर पंख की खूबसूरती की तो बात ही अलग है। मैं हूँ सिंकी सीरू और आपके लिए आज प्यारा सा सुंदर सा मोर पंख लेकर आई हूँ। चलिए बनाते हैं क्रोसिया से। इस मोर पंख में सबसे पहले मैंने ब्लू कलर यूज किया है। ब्लू कलर का हम एक सर्कल नॉट बना लेंगे। नॉट, सर्कल नॉट, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ये क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो मेरी एक शॉर्ट्स वीडियो है, वो आप जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर्कल नॉट बनाने के बाद हम तीन चेन बनाएंगे और तीन चेन बनाने के बाद पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बना लेती हूँ मैं जल्दी से पांच डबल क्रोशिया, फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बन चुके हैं और अब हम यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैं पहला ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ, अभी ऐसे ही 2 और बनाने हैं। ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। अब फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 6 डबल क्रोशिया। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया बन गए हैं और सबसे पहले हमने एक चेन बनाई थी और 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो चेन को मिलाकर 6 डबल क्रोशिया इधर और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया और उसके बाद 6 फिर से डबल क्रोशिया। अब हम वूल का कलर चेंज करेंगे और इसको पीछे पकड़ के और इसको इसी फंदे में फंसा लेंगे और जो पहले वाली वूल थी उसको बड़े वाले थ्रेड को सीजर से कट कर देंगे और पहले वाले धागा को और इस वाले धागा को हम साथ में इसी में अंदर दबाते हुए 6 डबल क्रोशिया इस वाले कलर से भी बना लेंगे। ये देखिए इसको इसी में अंदर दबाते चले जाइए तो बाद में आपको इनको अलग से दबाना नहीं पड़ेगा। ये 6 डबल क्रोशिया इस कलर से भी बना लिए हैं और ये जो सर्कल नॉट बनाया था उसका जो ऊन निकल रहा है यानी कि उसका धागा, उसको हम टाइट या लूज कर लेंगे और अब हम इसी कलर को ब्लू कलर वाली ऊन के पहले फंदे से लॉक कर लेंगे और लॉक भी करेंगे तो सिंगल क्रोशिया से और एक ही फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया, अब अगले वाले फंदे में भी 2 सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही पूरे जितने भी ब्लू कलर वाले फंदे हैं हम सभी में एक एक फंदे में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, लास्ट वाला बचा हुआ है ये भी कंप्लीट हो गया है और इसको पहले फंदे से इसी कलर की ऊन से लॉक कर लेंगे। अब फिर से कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे मैंने पिंक कलर लिया है, इसको अगले वाले फंदे से निकाल कर और इसको इसी से लॉक कर लेंगे, बाकी की पिछली वाली ऊन को टाइट करके सीजर से कट कर देंगे और फिर से उन्हीं दोनों धागों को साथ में लेकर हर एक फंदे में सिंगल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। ये देखिए उनको धागों को उसी में दबाते चले जाइए। अब यहाँ तक बनाने के बाद जो हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे उसमें जो बीच वाला था उसके जस्ट ऊपर वाला फंदे से हम 9 फंदे गिनेंगे, जो 9वां फंदा होगा वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपके कितने भी कैसे भी फंदे हो जाएं, छोटा बनाएं बड़ा बनाएं, उसी हिसाब से आप 9 फंदे गिन लीजिए। पहले फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया, अगले 2 फंदों में 2 हाफ क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया
उसके बाद अगले दो फंदों में दो डबल क्रोशिया, मतलब एक फंदे में एक डबल क्रोशिया, उसके अगले फंदे में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद तीन फंदों में तीन ट्रिपल क्रोशिया। ये मैंने एक बनाया, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, और इसके बाद एक और ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पर वही सेंटर वाला फंदा आ गया है जो हाथ से हमने 9 जोड़े हुए थे। अब उसी फंदे में दो डबल ट्रिपल क्रोशिया, यानी कि एक सिंगल फंदे में दो डबल ट्रिपल क्रोशिया हमें बनाने हैं एक ही फंदे में। देखिए मैंने ये दोनों बनाए हुए हैं। अब इसके बाद जैसा हमने हाफ साइड में करते आए हैं, उसका जस्ट अपोजिट दूसरी साइड में हमें करना है। जैसे अब दो ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, उसके बाद दो डबल क्रोशिया दो फंदों में, उसके बाद दो हाफ डबल क्रोशिया दो फंदों में, फिर उसके बाद एक फंदे में दो सिंगल क्रोशिया। ये एक ही फंदे में मैं दो सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। अब इसके बाद जितने भी फंदे बचे हुए हैं सभी में सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाइए। ये देखिए यहाँ पे पहले वाले पिंक कलर की ऊन से फंदे में लॉक कर लीजिए लास्ट वाले को। अब फिर से कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे मैंने येलो लिया है, येलो कलर में को इससे अटैच करेंगे और हर फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। हर फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे हाफ साइड तक, मिडिल पोर्शन तक, जहाँ हमने जो सेंटर पार्ट था ना हमारा, यहाँ तक। अब यहाँ पे सबसे सेंटर वाले फंदे पर देखिए कि कौन सा सेंटर वाला फंदा है, जहाँ पर हमने दो डबल ट्रिपल क्रोशिया एक ही फंदे में बनाए थे वो हमारा सेंटर वाला होगा। इसी एक ही फंदे में दो सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर से दो सिंगल क्रोशिया सेम इसी फंदे में हमें बनाने हैं। ये देखिए बन गया। अब फिर से वही एक एक सिंगल क्रोशिया हर फंदे में। ये पूरा येलो कलर का हो गया है। अब इसको फिर से वही पहले फंदे से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब हम फिर से कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर ग्रीन ऊन लिए है मैंने, ग्रीन ऊन को इससे अटैच करेंगे, येलो वाले को टाइट करेंगे और उसको कट कर देंगे। अब ग्रीन कलर से हमें जिगजैग वाली डिज़ाइन बनानी है। जिगजैग वाली डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया एक फंदे में, तीन चेन, और फिर वो जो सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी के ऊपर वाले दोनों फंदों में से इसको लॉक करेंगे। ये देखिए ऐसे किया और सिंगल क्रोशिया ही बनाते हुए इसको लॉक कर लिया, और अगले वाले फंदे में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको लॉक कर लेंगे, तो एक जिगजैग पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए ये कंप्लीट हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट वाला बनाएंगे, अगले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद तीन चेन, दो और एक तीन, उसके बाद वही सिंगल क्रोशिया के फंदों में इसको लॉक करना विद सिंगल क्रोशिया, और इसको अगले वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लेना। ये दूसरा जिगजैग पैटर्न बन गया हमारा। इसी तरीके से हम मिड पोर्शन तक बना लेंगे। अब हमें ये जिगजैग पैटर्न्स बिल्कुल सेंटर पार्ट पे लेके आना है। सेंटर पार्ट पे लेके आने के लिए अगर आपको एक दो फंदे छोड़ने भी पड़ जाएं तो आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एकदम सेंटर पे आना चाहिए। ये जो एकदम उठा हुआ पार्ट है वो एकदम सेंटर पे आना चाहिए। ये देखिए मैंने एक फंदा छोड़ के वही जिगजैग पैटर्न वाला डिज़ाइन बना रही हूँ,
और इसको फिर से एक या दो फंदे छोड़कर इसको लॉक कर दूंगी अगले वाले फंदे में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सेंटर पर आ गया। देखिए ये बिल्कुल सेंटर पर आ गया है। अब हम फिर से चाहे जहां भी, अब फंदे नहीं छोड़ने हैं, अब हर एक फंदे में ये डिजाइन बनाते चले जाइए। ये पूरा कंप्लीट हो गया है और ये देखिए, इसको इस पहले वाले जिगजैग पैटर्न से लॉक कर दीजिए और इसको नॉट लगा दीजिए, सीजर से कट कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे मैंने और भी बना के रखे हैं। ये देखिए, अब ये जो धागे निकले हुए हैं इनको हम इन्हीं में फंसा के, और अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसको सीजर से कट कर देंगे, नहीं तो इसको पूरा ही इसी में फंसाते चले जाएंगे उल्टी साइड से। ये ब्लू कलर वाला भी, आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। ये इतने सारे मोरपंख मैंने तोरण बनाने के लिए, मोरपंख गणेश जी तोरण या झालर, क्रोशिया से गणेश जी कैसे बनाएं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।